बिहार में गांधी जी के बताए बातों को लेकर शिलापट लगवा रहे हैं, यहाँ के बच्चों को गांधी के विचारों से अवगत करा रहे हैं, उस समय में गोडसे के साथ खड़े हुए लोग या गोडसे की विचारधारा को सहमति देने वाले लोग उनके साथ भी कैसे खड़े हो सकते हैं? दोनों बात तो नहीं हो सकती है। इसमें कोई गुरेज नहीं है, अगर आप भाजपा के साथ रहना चाहते हैं हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों बात नहीं होनी चाहिए। इस बात को लेकर मेरे और नीतीश जी में लगातार विचार चलता रहा है, उनकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है। तो पहला जो हम लोगों के बीच के मतभेद का विषय रहा है वो ये रहा है कि गांधी और गोडसे दोनों साथ में हम लोग नहीं चल सकते हैं। पार्टी के लीडर के तौर पर, पार्टी के तौर पर आपको ये बताना पड़ेगा कि हम लोग किस साइड खड़े हैं। दूसरी जो वजह रही है विवाद की या मतभेद की, वो रही है जदयू की और नीतीश कुमार जी की गठबंधन में पोजीशनिंग को लेकर। अब ये सब आप जानते हैं कि भाजपा के साथ नीतीश जी का कोई पहला संबंध नहीं है, कोई नया संबंध नहीं है, पिछले 15 साल से साथ में है, और ये बात मुझे भी मालूम थी। फिर क्यों ज्वाइन किया पार्टी? क्योंकि जिस भाजपा के साथ जिस तरह नीतीश जी रहे हैं 2004 के बाद से और आज जिस तरह से है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। मेरे लिए नीतीश कुमार 2014 के नीतीश कुमार धूल धूसरित, चुनाव हारे हुए 2 MP के नेता, उनका ज्यादा सम्मान है, बिहार की वो शान थे। आज 16 MP लेकर जब वो किसी गुजरात के लीडर उनको बताते हैं कि आप ही लीडर बने रहिएगा, मेरे लिए वो बहुत अच्छी बात नहीं है। बिहार का मुख्यमंत्री यहाँ के 10 करोड़ लोगों का नेता है, उनका सम्मान है, उनकी शान है, उनकी आन है। वो कोई मैनेजर नहीं है कि किसी दूसरे पार्टी का नेता उसको डिप्यूट करे कि ये हमारे नेता होंगे। वो अधिकार और एकाधिकार सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता का है, और हम लोग वो नेता चाहते हैं जो सशक्त हो और समृद्ध भारत के लिए, समृद्ध बिहार के लिए अपनी बात कहने में किसी का पिछलग्गू ना बने। इन दो बातों को लेकर मेरा और नीतीश जी से आपस में मतभेद भी रहा है, आचार विचार भी हमारा चलता रहा है। उन लोगों का मत जो चाहते हैं कि भाई क्यों हम भाजपा के साथ इन्हीं शर्तों पर बने रहें, उनका कहना यह है कि भाई राजनीति में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बिहार के विकास के लिए अगर ये इन दो मूल बातों पर थोड़ा समझौता भी करना पड़े तो भी ये करने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने इस बात को गंभीरता से सोचा नहीं, उस पर विचार नहीं किया, लेकिन मूल बात अगर बिहार का विकास है तो हमें आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या इस गठबंधन के साथ रहने से बिहार का विकास हो रहा है। अगर बिहार का विकास हो रहा है तो निश्चित तौर से अगर आप चाहें तो किसी के सामने झुक के भी, अगर आपके झुकने से भी बिहार का विकास हो रहा है तो उससे मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन इतने कॉम्प्रोमाइज के बाद भी आप सब यहां बैठे हुए हैं, क्या बिहार में तरक्की इतनी हो गई जो कि बिहार के लोगों की अपेक्षा है, आकांक्षा है? क्या हमें विशेष राज्य का दर्जा मिल गया? आप सबने देखा एक छोटी सी बात, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए नीतीश जी ने हाथ जोड़कर पब्लिकली रिक्वेस्ट किया। बात को माना जाना तो छोड़ दीजिए, आज तक उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रिप्लाई तक नहीं दी। ऐसा नहीं है कि मैं दल में हूं और गठबंधन की मर्यादा के खिलाफ हूं, लेकिन गठबंधन किस कीमत पर? अगर सिर्फ 2 सीट ज्यादा लेने के लिए या मुख्यमंत्री बने रहने के लिए, मेरा अपना मानना है कि अगर नीतीश जी खड़े होंगे या कोई भी नेता खड़ा होगा, बिहार के लिए खड़ा होगा, तो बिहार की जनता उसके साथ खड़ी होगी, उसके लिए किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है। नीतीश जी का या उस जो लोग इस बात से सहमत हैं कि हमें प्रेजेंट अरेंजमेंट में बने रहना चाहिए, उनका ऐसा मानना है कि भाई बिहार में जीतते रहने के लिए भाजपा के साथ बने रहना जरूरी है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। अब जहां तक बिहार के विकास की बात है,
मैं नीतीश जी के साथ था तब भी ये मानता था कि बिहार में विकास नीतीश जी के राज में हुआ है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। मैं नीतीश जी के साथ आज नहीं हूं इसलिए ये कह दूं कि बिहार में विकास नहीं हुआ है, ये गलत होगा। 15 साल में बिहार में खूब विकास हुआ है, लेकिन उस विकास की गति और उस विकास के आयाम ऐसे नहीं रहे हैं जिससे बिहार की स्थिति आमूलचूल तरीके से बदली। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आप विकास के 20 बड़े मानकों को उठाकर देख लीजिए, सामाजिक और आर्थिक। अभी आपको एक डॉक्यूमेंट भी सर्कुलेट करेंगे, बिहार की स्थिति 2005 में, बिहार की स्थिति 2005 में उन मानकों पर जो थी आज भी मोर और लेस वही है। मैं रिपीट कर रहा हूं, 2005 में बिहार की स्थिति जो थी आज भी दूसरे राज्यों के मुकाबले देश में बिहार की स्थिति वही बनी हुई है। अब आप कहेंगे भाई नीतीश जी ने काम भी किया तो स्थिति सुधरी क्यों नहीं, मैं आपको बताता हूं। नीतीश जी ने शिक्षा में काम किया, साइकिल बांटी, पोशाक बांटे, बच्चों को स्कूल तक भी पहुंचाया, लेकिन एक अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए। साइकिल बटी, पोशाक बटा, लोगों का एडमिशन भी ज्यादा संख्या में, लोगों की ज्यादा लोग स्कूल भी जा रहे हैं, लेकिन अगर आप शिक्षा का जो इंडेक्स है, एजुकेशन आउटकम का इंडेक्स है, जो भारत सरकार का इंडेक्स है, मेरा नहीं है, नीति आयोग का इंडेक्स है, अभी हम आपको दे रहे हैं, आप नेट पर जाकर देख लीजिए, तो झारखंड को छोड़ दें तो बिहार आज भी देश का सबसे निचले स्तर का स्टेट है। कहने का मतलब ये कि आपने साइकिल बांटी, पोशाक बांटी, लेकिन अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए 15 साल में। एक बड़ा नीतीश कुमार जी का जो योगदान है कि बिहार में घर घर बिजली आ गई, मैं मानता हूं और इसके लिए नीतीश कुमार जी का साधुवाद भी होना चाहिए कि हर घर में बिजली पहुंची है पिछले 10 साल में। लेकिन आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हाउस होल्ड लेवल पे बिहार इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में देश का सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है। जो देश में इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है हाउस होल्ड लेवल पे, एक परिवार जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, वो देश में 900 किलोवाट के आसपास होता है और बिहार में वो 202 किलोवाट है। बिजली पहुंची लेकिन लोगों के पास एक बल्ब और एक पंखा चलाने के अलावा और कुछ लगा सकने की क्षमता नहीं है। आपने सड़कें बनवाई लेकिन यहां गरीबी इतनी है कि लोगों जो व्हीकल है, लोगों के पास गाड़ी खरीद कर उन सड़कों का उपयोग करने की क्षमता नहीं बनाई। बिहार में व्हीकल ओनरशिप देश के मुकाबले 1/4 है। 3.5 करोड़ लोग आज भी गरीबी के मामले में सबसे ज्यादा गरीब लोग आज भी बिहार में ही हैं। 10-15 साल आपने आर्थिक तरक्की कराई, आप बता रहे हैं कि बजट 30,000 करोड़ का था, अब 2,00,000 करोड़ का हो गया। भाई ये तो नेचुरल जीडीपी एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, आपकी सैलरी मान लीजिए कि पहले 5,000 थी, आज 20,000 हो गई है, उससे आपका जीवन आमूलचूल नहीं बदलता है, वो तो एक नॉर्मल विकास की प्रक्रिया है। बिहार में पर कैपिटा इनकम हम लोग 2005 में भी 22वें नंबर पर थे देश में और आज भी 22वें नंबर पर ही हैं। बिहार 2005 में भी देश का सबसे गरीब राज्य था और आज भी बिहार देश में सबसे गरीब राज्य में है। आप पर कैपिटा जीडीपी उठाकर देख लीजिए, पर कैपिटा इनकम उठाकर देख लीजिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन देख लीजिए, अर्बनाइजेशन देख लीजिए, जितने डाटा है, जितने मानक हैं, मैं आपको डॉक्यूमेंट दे रहा हूं और इसके साथ उसके सोर्स और सारे पॉइंट, आपको कहीं रिसर्च करने जाने की जरूरत नहीं है। 2005 और 2015 बिहार कहां खड़ा था 2005 में और 2015 में कहां खड़ा है, मैं नीतीश जी से, उनके सरकार से, पार्टी से, या जो भी इन विषयों को समझने की क्षमता रखते हो या समझते हो, वो आ जाए खुले मंच पर, जिनसे बात करना चाहते हो बात कर ले। एक भी डाटा प्रशांत किशोर का डाटा नहीं है। अब मुसीबत यह है कि नीतीश जी को गवर्नेंस पर कोई बोलने वाला है नहीं यहां, तो नीतीश जी ने उसको अपना एक एकाधिकार बना लिया है कि जो किया वही बहुत किया।
पिछली सरकारों में कुछ नहीं हुआ, इसलिए मैं थोड़ा बहुत भी कर रहा हूं तो उसको आप मानिए और इसी को गोल्ड स्टैंडर्ड मान लीजिए। मुझे लगता है कि अब बिहार में वो समय आ गया है जब लोग ये जानना जरूर चाहते हैं कि आपने पिछली सरकारों के मुकाबले क्या किया, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी ये जानना चाहते हैं कि अगले 10 साल में बिहार के लिए क्या कीजिएगा। लालू जी के राज के मुकाबले बिहार कहां खड़ा है उसके विषय में जरूर बताइए, लेकिन ये भी बताइए कि बिहार महाराष्ट्र के मुकाबले कहां खड़ा है, बिहार हरियाणा के मुकाबले कहां खड़ा है और बिहार कर्नाटक के मुकाबले कहां खड़ा है, ये भी तो बताना होगा। कितने दिन तक यही बात करते रहेंगे कि 2005 में बिजली नहीं थी और बिजली आ गई। भाई कोई ऐसा भी तो दिन आए जब गुजरात के सूरत से लोग चलकर बिहार में काम करने आए, ये भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम ही लोग क्यों जाएंगे गुजरात में काम करने? देश के 40% जिलों में कोई एक आईएएस या आईपीएस बिहार का लड़का है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सबसे ज्यादा अगर एक राज्य के कहीं लड़के पढ़ रहे हैं तो वो बिहार के लड़के हैं, लेकिन हम लोगों को यहां काम करने की सुविधा नहीं है। आपने कुछ दिन पहले सुना होगा दिल्ली में 40 से ज्यादा लोग जलकर मर गए, वर्कर, ज्यादातर लोग उसमें यूपी और बिहार के थे। अगर 15 साल में खूब तरक्की हुई है तो वैसे स्थिति में जाकर लोग क्यों रह रहे हैं? कभी आपने सुना कि बिहार में कोई ऐसी घटना, ना भगवान न करे हो, ऐसी घटना हुई हो और उसमें कोई कर्नाटक का आदमी हो, महाराष्ट्र का आदमी हो, गुजरात का आदमी हो? ये स्थिति कब बदलेगी? ये स्थिति तब बदलेगी जब बिहार में अपना एक सशक्त राजनीतिक नेतृत्व होगा। किसी दूसरे का पिछलग्गू बना हुआ नेतृत्व बिहार की स्थिति को नहीं बदल सकता है। और ये बात सिर्फ मुख्यमंत्री की नहीं है, सिर्फ नीतीश कुमार की नहीं है, मैं उनके साथ था तब भी और आज भी मैं कह रहा हूं, ये स्थिति तब बदलेगी जब निचले स्तर से, ग्रामीण स्तर, गांव के स्तर से, पंचायत के स्तर से ऐसे लोग जो नए बिहार का सपना रखते हो, जो ये देखना चाहते हैं कि अगले 10 साल में, मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसे लोग जो बिहार को अगले 10 साल में टॉप 10 राज्य में देखना चाहते हैं, जो थक गए इस बात को सुन सुन के कि लालू जी के राज में ये नहीं था, हमने ये चीज कर दिया। अरे भाई सुन लिया कि लालू जी के राज में चिकित्सा व्यवस्था नहीं थी, आपने शुरू कर दी, लेकिन वो चिकित्सा व्यवस्था ऐसी नहीं हुई है कि हम लोग को दिल्ली ना जाना पड़े। उस चिकित्सा व्यवस्था के रहते हुए चमकी बुखार से 150 लोग मर जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है। पटना 4 दिन बाढ़ के पानी में डूबा रहा, आपको पता ही नहीं है। कितने दिन तक ये बात कहते रहिएगा कि लालू जी के टाइम में 6 बजे पटना बंद हो जाता था, आज 10 बजे तक पटना खुला रहता है। लोग ये देखना चाह रहे हैं कि अगर बॉम्बे पूरी रात खुला रह सकता है तो पटना क्यों नहीं? ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए? और मैं यहां इसलिए नहीं बैठा हूं कि कोई गठबंधन बनाकर नीतीश जी को हरा दिया जाए या किसी पार्टी को रोक दिया जाए या किसी पार्टी की सरकार बना दी जाए। मैं बिहार में पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर 1.5 साल पहले मैंने अपनी यात्रा शुरू की है और आपके द्वारा, आपके माध्यम से बिहार की जनता को यह बताना चाहता हूं कि जब तक जीवित हूं बिहार के लिए पूरी तरह से समर्पित हूं और चाहे इसके लिए जितना दिन लगे, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 5 साल, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं। बिहार के गांव गांव से लड़कों को जोड़कर, समझाकर, सिखाकर, तैयार करके वो राजनीतिक शक्ति खड़ी करेंगे जो कि बिहार के अग्रणी होने में, देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में शामिल होने की दिशा में कंट्रीब्यूट करना चाहता है, अपनी जिंदगी लगाना चाहता है, अपनी क्षमता लगाना चाहता है, ऐसे लोगों को जोड़ना चाहते हैं। मैं यहाँ इसलिए नहीं बैठा हुआ हूँ, मैं जानता हूँ यहाँ जो पत्रकार बंधु बैठे हुए हैं, आपकी इच्छा ये है, आप सोच कर ये आए हैं कि नवंबर में चुनाव है, उसमें क्या होने वाला है। देखिए, चुनाव लड़ना, लड़ाना, जीतना, ये काम तो मैं रोज करता हूँ। बिहार में चुनाव लड़ने लड़ाने के लिए नहीं बैठा हुआ हूँ। पिछले 2 साल से, 1.5 साल से, सितंबर में मैंने शुरू किया यहाँ पर अपनी यात्रा और तब से मैं ओपनली हर प्लेटफॉर्म पे कहता रहा हूँ कि मैं बिहार में ऐसे यंग लड़कों की टीम बनाना चाहता हूँ, ऐसे यंग लोगों को जोड़ना चाहता हूँ जो इस सपने को जीना चाहता है और किन्हीं परिस्थितिवश ये नहीं कर पा रहा है, मैं उसकी बुद्धि, उसकी शक्ति, उसकी क्षमता में अपनी ताकत जोड़ना चाहता हूँ ताकि 10,000 अच्छे मुखिया जीत कर आए। नीतीश कुमार ने सरकार अच्छी चलाई, खराब चलाई,
वो विवाद का विषय हो सकता है, बहस का मुद्दा हो सकता है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि वो 200 अच्छे एमएलए नहीं बना पाए, 200 ऐसे एमएलए नहीं बना पाए जो कि बिहार की राजनीतिक परिस्थिति को पूरी तरह बदल सके। इसलिए मेरा जो प्रयास है वो लॉन्ग टर्म है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म, 5 साल 10 साल के नजरिए से है। बिहार में वो राजनीतिक नेतृत्व तो खड़ा हो, इसके लिए अगले 2 दिन में मतलब 20 तारीख से मैं एक नया कार्यक्रम शुरू करने जा रहा हूं। बात बिहार की नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू कर रहा हूं, जिसके तहत बिहार के 8,800 पंचायतों में से 1,000 ऐसे लोग, ज्यादातर युवा, ऐसे लोगों को चिन्हित करना, चुनना, उनसे जुड़ना, जो ये समझते हैं कि बिहार के अगले 10 साल इतने स्वर्णिम होने चाहिए कि देश के सबसे अग्रणी राज्यों में हम लोग शामिल हों। देश के सबसे अग्रणी 10 राज्यों में बिहार शामिल हो। मैं आपको एक पैरामीटर बताता हूं, प्रति व्यक्ति आय, जो हर आदमी समझता है यहां। अगर बिहार को देश में 10वें नंबर पर पहुंचना है, आज हम लोग 22वें नंबर पर हैं, 15 साल की तरक्की के बाद, सो कॉल्ड विकास के बाद, बिहार प्रति व्यक्ति आय, हर व्यक्ति जो औसतन कमाता है उसमें आज हम लोग 22वें नंबर पर हैं। अगर 10वें पर आना है तो प्रति व्यक्ति आय 8 गुनी बढ़नी चाहिए अगले 10 साल में। बिहार को वो चलाएगा जिसके पास वो सपना हो, जिसके पास वो कर दिखाने की क्षमता और ब्लूप्रिंट हो। किसी को हराना और जिताना ये प्रयोजन नहीं है, बिहार बेहतर कैसे बने ये प्रयोजन है। नीतीश कुमार भी उसमें शामिल है तो उनका भी स्वागत है। हम तो उनके साथ रह के यही कर रहे थे, कुछ अलग नहीं कर रहे थे। ये जो आज आपको लिस्ट जारी कर रहे हैं, इसमें अभी करीब करीब 3 लाख लड़कों ने साइन किया है। आप में से कई लोग, जब मैं नीतीश कुमार जी के साथ था मैंने उनको बताया है, इसमें 1.25 लाख लोग ऐसे हैं जो मैं जदयू में जब था तभी लोगों ने ज्वाइन किया है। और इसमें आपको ये भी बता दूं, करीब करीब 30% लोग आज भाजपा के एक्टिव मेंबर हैं, और मैं नाम जारी कर रहा हूं वेबसाइट से, ये कोई फर्जी डाटा नहीं है, वेबसाइट का लिंक आपको जारी कर रहे हैं। आप स्वयं से वेबसाइट पर जाकर देख लें कि किस जिले में, किस ब्लॉक में कौन सा व्यक्ति, किस आयु, किसका लड़का, क्या काम करने वाला जो खुद से इसमें शामिल हुआ है। 2,93,000 के आसपास का अभी संख्या आपको दे रहे हैं। 20 मार्च तक 10 लाख लड़के, 10 लाख लड़के डिजिटली इस पर रजिस्टर कर रहे हैं। और नीतीश जी ने कहा कि भाई बिहार में हम लोग तो साधारण पार्टी हैं, ट्विटर वगैरह क्या करेंगे। मेरी सोच अलग है, बिहार हमेशा पोस्टकार्ड वाला ही देश बना रहे ये नहीं चाहता हूं मैं। बिहार के लड़के ट्विटर ना सीखें, फेसबुक ना आए, मैं उससे सहमत नहीं हूं। कि ट्विटर गुजरात के लोगों का एक अधिकार नहीं है, ट्विटर और फेसबुक गुजरात के लोगों को भी सिखाने वाले लोग बिहार के ही थे। तो आप स्वयं ट्विटर पर हैं, 4.5 करोड़ लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, रोज आप मीटिंग करते हैं उसका फोटो रिलीज ट्विटर पर कर रहे हैं, और बिहार का लड़का अगर कोई ट्विटर यूज करता है तो आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। आपने ये कहा कि ये भाई पार्टी इंटेलेक्चुअल की नहीं है। मैं तो ये जानता हूं कि इस देश ने, इस मानव इतिहास ने, भारत के इतिहास ने सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल चाणक्य को देखा, वो आदमी इस धरती का था। तो बिहार को आप इंटेलेक्चुअल से अलग कैसे कर सकते हैं? हम लोग कोई बेवकूफ वाले देश, बेवकूफों के राज्य थोड़े ही ना है। इंटेलेक्चुअल होना कोई गलत बात थोड़ी है, टेक्नोलॉजी समझना कोई गलत बात थोड़ी है। अगर हमारी आकांक्षा है कि हम नंबर वन बनना चाहते हैं तो इसमें खराब क्या है? आप क्यों चाहते हैं कि बिहार सबसे पिछड़ा हुआ राज्य रहे? कोई पूछता है भाई ये पटना ऐसा क्यों दिखता है, तो आप कह रहे हैं कि भाई हम लोग तो गरीब राज्य हैं। तो अगर हम लोग गरीब राज्य हैं तो इसको धनी राज्य बनाने का, समृद्ध राज्य बनाने का जिम्मा किसका है? ये केरल से लोग थोड़ी आएंगे इसको बनाने के लिए, बिहार के लोग बनाएंगे। और 15 साल से आप शासन चला रहे हैं, आपसे ज्यादा अनुभव किसके पास है? आप आगे आइए, मैं फिर से आपके माध्यम से नीतीश जी को बोल रहा हूं, आप आगे आइए। किसी पॉलिटिकल कंपल्शन की, समीकरण की जरूरत नहीं है।
बिहार को अगर आप बताएंगे कि अगले 10 साल में कैसे आप टॉप 10 में पहुंचाएंगे, अगर आप बिहार के हर आदमी को ये बताएंगे कि अगले 10 साल में कैसे यहाँ के हर व्यक्ति की आय 8 गुना बढ़ सकती है, अगर आप बताएंगे कि बिहार में भी प्रति जो जीने की औसत आयु है केरल से 10 साल कम है, आपको अंदाजा इस बात का, बिहार में औसत आयु करीब 10 साल केरल के मुकाबले कम है, मतलब केरल में जो सामान्य आदमी है बिहार के एक सामान्य आदमी से 10 साल ज्यादा जी रहा है। मैं ये मानने के लिए नहीं तैयार हूं कि अगर नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति अपनी प्रशासनिक क्षमता और अनुभव को उपयोग में लाकर बिहार के लोगों को जोड़कर अगर ये ब्लूप्रिंट सामने रखेंगे तो मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि बिहार के लोग उनका समर्थन नहीं करेंगे। सिर्फ चुनावी राजनीति के लिए, भाई नीतीश कुमार जी 13 साल चीफ मिनिस्टर रहे या 15 साल चीफ मिनिस्टर रहे, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? नीतीश कुमार जी के लिए प्रश्न तो ये है कि आप गांधी और गोडसे दोनों को एक साथ कैसे लेकर चल सकते हैं। नीतीश कुमार जी के लिए प्रश्न ये है कि आप बिहार को लीड करना चाहते हैं या किसी का पिछलग्गू बनकर सिर्फ कुर्सी पर बने रहना चाहते हैं। तो आप जो यहां आए हैं, आपकी अगर ये समझ है कि मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी की घोषणा करने जा रहा हूं, किसी गठबंधन का काम करने जा रहा हूं, मैं आपके माध्यम से स्पष्टता से बता रहा हूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी गठबंधन को बनाने और उसके प्रचार के कार्य में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरा सिर्फ और सिर्फ अगले 100 दिन में इस कार्यक्रम को लॉन्च करना और हर पंचायत हर गांव में जाकर लोगों को बताना समझाना और उनको इस बात के लिए जागृत करना, उनको जोड़ना कि बिहार को अगले 10 साल में देश के सबसे 10 सर्वश्रेष्ठ राज्यों में शामिल करने के मुहिम में अगर आपका विश्वास है, अगर आप इस सपने को साझा करते हैं, अगर आप समझते हैं कि आप इसमें कुछ कर सकते हैं तो आइए जुड़िए। उसके बाद उसका स्वरूप क्या होगा, पार्टी बन जाएगी कि प्लेटफॉर्म बन जाएगा कि मोर्चा बन जाएगा, मुझे कोई उससे दिक्कत नहीं है। और अगर नीतीश कुमार आकर उसको लीड करना चाहते हैं तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, अगर सुशील मोदी आकर लीड करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे। जो लोग बिहार के सबसे अच्छे प्रशासनिक अनुभव वाले लोग हैं वो आए और इसको लीड करें और बिहार को वो ब्लूप्रिंट दिखाएं। बिल्कुल, मैंने आपने ठीक कहा, मैंने एक भी बात ऐसी नहीं कही है जो मैं जदयू में रहते हुए नहीं कहता रहा हूं, कोई एम्प्यूटेशन की बात नहीं है। मैं जदयू में था, जो लोग मुझे फॉलो करते रहे उन्होंने देखा है मैं जितनी मीटिंग होता है उसमें यही मीटिंग में यही कहता रहा हूं कि बिहार में विधायकों की एवरेज एज 40-45 साल होनी चाहिए। बिहार में ये समय आ गया है कि नीतीश जी लालू जी के राज से अपना कंपैरिजन बंद करें और ये बताएं कि अगले 10 साल में बिहार महाराष्ट्र कर्नाटक हरियाणा के मुकाबले कहां खड़ा होगा। देखिए, बिहार में कई लोगों से मैं सुनता रहता हूं कि भाई ये तो बिजनेसमैन हैं, काम करते हैं पैसे के लिए। मैं आपके माध्यम से आज इस बात को एक बार फाइनली कह देता हूं, जो अगली बार ये कहे उसको जरा बताइए कि एक आदमी भी दिखाए कि एक रुपया, मैं रिपीट कर रहा हूं, एक रुपया भी अगर किसी ने प्रशांत किशोर एज ए इंडिविजुअल को काम करने के लिए दिया है तो इसका प्रूफ दिखाइए।